टेस्ट ड्राइव वीडियो लेके आए हैं काइगर गाड़ी का। ये इसका AMT वेरिएंट रहेगा जो नॉन टर्बो इंजन के साथ आता है। तो आज इसको चला के अनुभव करते हैं किस प्रकार से परफॉर्म करता है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, चाहे वो सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड हो, माइलेज से रिलेटेड हो, ड्राइविंग डायनेमिक्स से रिलेटेड हो या इंजन की परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको चीजें बताते हैं क्या करके सभी। जैसी गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे कि टर्बो के मुकाबले जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें हल्की सी वाइब्रेशन आपको स्टेयरिंग व्हील के ऊपर फील होती है, बहुत ही हल्की होती है। गियर लीवर पे किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन नहीं है। नीचे जो पैडल है, ब्रेक पैडल है और एक्सेलेटर पैडल है, वहाँ पे भी हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको महसूस होंगी। आपके डिसीजन को डाइवर्ट नहीं करेंगी, लेकिन टर्बो के मुकाबले इस गाड़ी का जो एनवीएच है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मुझे, तो उस पे मुझे लगता है थोड़ा सा और बेहतर होने की गुंजाइश है। तो चलिए इस गाड़ी को चला के देखते हैं और अनुभव करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो AMT के साथ आता है। तो इसमें आपको तीन मोड मिलते हैं, रिवर्स जिसमें आपका कैमरा ऑपरेट हो जाता है इस प्रकार से। तो पीछे का जो व्यू है वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा HD वाइज तो नहीं है हाई डेफिनेशन क्वालिटी का, लेकिन ओके है। आपको पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो बराबर तरीके से महसूस हो जाती हैं या पता चल जाता है उनका। बीच में न्यूट्रल मोड आता है, यदि आप रेड लाइट वगैरह में कहीं पे खड़े हैं जहाँ पे ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है तो न्यूट्रल मोड पे ही करके रखें। गाड़ी की जो इंजन है उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा और फ्यूल एफिशिएंसी बेटर मिलेगी आपको। फिर आता है आपका ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड में चेक करते हैं क्रॉल फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने एक्सेलेटर के ऊपर से पैर हटा लिया है तो हल्की हल्की गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो क्रॉल फंक्शन जरूर है। तो बम्पर से बम्पर ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं तो आपको बार बार एक्सेलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक प्लस पॉइंट अच्छा। थोड़ा सा एक्सेलेट और तेज करके देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें जो टॉप वेरिएंट हम चला रहे हैं RXZ, इसमें डेडिकेटेड आपको मोड्स मिलते हैं इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो हम गाड़ी को ज़्यादातर टेस्ट करेंगे नॉर्मल मोड में और बीच में आपको एक बार स्पोर्ट्स मोड और इकोनॉमी मोड पर लगा के दिखाएंगे और पता करेंगे कि उसमें परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है। सबसे पहले इस इंजन के बारे में जानकारी लेते हैं कि नॉर्मल जो मोड है, क्योंकि ये जो मोड वाला फंडा है ये सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा। यदि आप नीचे वाले मॉडल को लेने में इच्छा जाहिर करेंगे या उसके लिए जा रहे हैं तो उसमें मोड्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको नॉर्मल मोड में इंजन रन करेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इसको नॉर्मल मोड के ऊपर ही तवज्जो देंगे। तो यदि आप थोड़ा सा हार्ड एक्सेलेरेट करने की कोशिश करते हैं तो हाफ एन सेकेंड लग जाता है गाड़ी को ये पता लगाने में कि जो ड्राइवर हो क्या चाह रहा है। फिर गाड़ी तुरंत प्रभाव से डाउन शिफ्ट कर देती है और जो उसका पावर बैंड उसके अंदर आ जाती है और आसानी से आप ओवरटेक कर पाते हैं। तो ये मुझे लगा है जैसे सभी AMTs में होता है, हल्का सा आपको डिले देखने को मिलता है, लेकिन यदि आप इसको सॉफ्ट पैर के साथ चलाएंगे तो आपको गियर शिफ्टिंग है जो ना के बराबर ही महसूस होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून किया गया है ये, तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आया इस गाड़ी में। और सबसे बड़ा जो सबके मन में संकोच रहता है, क्या ये नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है 72 PS की पावर क्या इस बड़ी गाड़ी के लिए एनफ है, क्योंकि क्विड में भी इंजन आता है, हालांकि थोड़ा सा डीट्यून है उसमें ये, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है क्या इसके लिए सभी के मन में जो क्वेश्चन है बड़ा उसका आंसर देते हैं आप सभी को कि ये पूरे तरीके से सक्षम है इस गाड़ी को चलाने में। जो मैनुअल है उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा आपको कोशिश करनी पड़ती है गियरों के साथ, लेकिन जो AMT है वो जो लैग है उस वाले फंडे वो काफी हद तक कवर कर देता है। अभी मैंने पूरा पेडल टू मेटल कर रखा है और तुरंत ही समझ लिया कि डाउन शिफ्ट करना है, बस एक पार्ट ऑफ ए सेकेंड का डिले करती है, उसके बाद काफी लंबे समय तक गियर को होल्ड करके रखती है, तो आपको ओवरटेकिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वीडियो के माध्यम से आपको ओवरटेक करके दिखाते हैं, काफी बड़ी लग्जरी गाड़ी जा रही है तो उसको ओवरटेक करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, डिले जरूर देखने को मिलेगा हल्का सा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा हेड नॉट नहीं है, बहुत ज्यादा गियर शिफ्टिंग आपको महसूस नहीं होती कि आपको झटके लग रहे हैं बार बार और चलाने में मजा नहीं आ रहा। नहीं, यकीन मानिए इसको चलाने में बिल्कुल बराबर मजा आता है। यदि बहुत ही एंथुजियास्टिकली आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं, बहुत पावर लवर है आप, तो ही ट्रिपो के लिए जाएं, अन्यथा ये गाड़ी आपको पूरे तरीके से जो डेली नीड है कम्यूट करने की उसको बराबर तरीके से सॉल्व कर देती है। और AMT का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि उसमें फ्यूल जो इकोनॉमी है ज्यादा ड्रॉप नहीं होती। तो यदि आप इसको लाइट फुट के साथ चलाएंगे हाईवे पे 80-90 की स्पीड क्रूज करेंगे तो आसानी से आप 20 तक का भी माइलेज इसे ले सकते हैं विदेशी, तो इससे अच्छा माइलेज क्या होगा इतनी बेहतरीन गाड़ी का। और सिटी में आप चलाएंगे तो 11 से 13 का माइलेज आपको निकाल के देगी। सिटी में ऑलमोस्ट सभी जो इस कैटेगरी गाड़ी होती है इतना ही एवरेज निकाल के देती है, क्योंकि सिटी की कंडीशन भी, ये बैंड इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि सिटी में हर एक कंडीशन अलग अलग होती है, कहीं हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है आपको, कहीं पर लाइट ट्रैफिक है, तो उसके हिसाब से वेरी कर सकती है। अब बात करते हैं गाड़ी के जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हो कैसे है। तो स्टेयरिंग है वो अल्ट्रा लाइट है, तो यदि सिटी वगैरह में चलाने के इच्छुक होंगे तो ज्यादा दिक्कत आपको पेश आने वाली नहीं है। साइड में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होने के बावजूद भी, जैसे भी देखा आपने मैंने कर्वी रोड पे टर्न लिया काफी शार्प, उसके बावजूद भी जो आप ज्यादा टॉसअप नहीं होते लेफ्ट या राइट, तो विद इन द कंट्रोल रहता है आपका जो
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर तरीके से अप्लाई नहीं होती इतनी अच्छी तरीके से इसका बॉडी का जो डिजाइन कर रखा है, तो ये भी काफी अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपकी जो गाड़ी है वो बैलेंस लूज नहीं करेगी यदि हिल वगैरह पे आप लेके जाएंगे जहाँ शार्प टर्न वगैरह लेने पड़ते हैं आपको, तो एक अच्छा पॉइंट है। अब स्टेयरिंग रिस्पॉन्सिव कितना है वो आपको अभी बताते हैं। अल्ट्रा लाइट होने के साथ जैसे आप एक गति गेन कर लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि इसमें हल्का सा वेट भी आ जाता है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव तो नहीं है ये फोर्ड इको स्पोर्ट की तरह कि आपने हल्का सा इशारा दिया और गाड़ी ने एकदम से टर्न ले लिया। लेकिन ज्यादातर जो कम्यूट करने वाले बंदे होते हैं, आमजन जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनको इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं खिलेगी। अल्ट्रा लाइट स्टेयरिंग व्हील अपने आप में काफी बेहतरीन काम करता है क्योंकि आजकल जो ट्रैफिक का सिनेरियो रखा है मोस्ट प्लेसेस में बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, तो यदि स्टेयरिंग में थोड़ी भी टाइटनेस होगी तो आपको दिक्कत पेश आएगी जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं। तो इसमें क्लच वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। साथ में जो इसकी सर्विस कॉस्ट रहेगी साथियों वो रहेगी 2500 से 3000 के बीच में, तो वो भी बहुत ही रीजनेबल है। टर्बो में थोड़ी सी ज्यादा इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस इंजन होता है, उसमें आपका हाईली सिंथेटिक ऑयल यूज होता है, तो आपका थोड़ा सा रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन ये बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा मेरे हिसाब से यदि आप ज्यादा तेज गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते हैं, नॉर्मल 80-90 स्पीड में आप क्रूज करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब एक छोटा सा पैच आएगा जो ऑलमोस्ट ऑफ रोड के बराबर है, काफी बड़े बड़े पोर्ट होल हैं, तो सस्पेंशन भी चेक करते हैं गाड़ी का। तो सस्पेंशन में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है इतने बड़े बड़े पोर्ट होल होने के बावजूद भी। हाँ हल्का सा अंदर फील जरूर होता है लेकिन ये पोर्ट होल काफी बड़े साइज के हैं, सभी गाड़ियों में थोड़ा बहुत फील जरूर होंगे। लेकिन जो सस्पेंशन का सेटअप है बहुत ही बेहतरीन है, ना ज्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट है ना ज्यादा अल्ट्रा स्टिफ है, एक बीच का बैलेंस निकाल रखा है जो भारतीय रोडों के लिहाज से दी बेस्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है बहुत ही बेहतरीन पैकेज रहेगा यदि आप ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हैं खासतौर पर इस कैटेगरी में, क्योंकि इसमें यह भी है कि गाड़ी इसी ग्राउंड से ऊपर बैठते हैं आप कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं तो सभी को अच्छी फीलिंग आती है गाड़ी के ऊपर बैठे हुए की। अभी इसकी छोटे वाली गाड़ी आगे जो सिस्टर चल रही है क्विड के नाम से, तो आपको दिखाई दे रही होगी कि इसके सामने बिल्कुल छोटी गाड़ी दिखाई देती है जो उसकी तो जिस कैटेगरी में आती है उससे जरा छोटी फील होती है। तो इस गाड़ी का नेचर जो एक बॉडी सेल है वो एक प्रॉपर एसयूवी की तरह है, तो आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत उसमें भी नहीं आएगी। हल्का सा यू टर्न लेके देखते हैं कि गाड़ी जो टर्न लेती है वो कितनी दूरी पे लेती है। लेफ्ट पैर के लिए डेडिकेटेड रेस्ट पेडल भी है तो लेफ्ट पैर आपको जरा थकावट में नहीं आएगा। गाड़ी का जो यू टर्न है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल छोटे से स्पेस में गाड़ी टर्न ले लेती है, तो टाइट पार्किंग स्पेस वगैरह में या जो रेजिडेंस आपका टाइट स्पेस में है तो गाड़ी को मैनोवर करने में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पिकअप और चेक करा देते हैं आपको, तो मैंने पूरे तरीके से एक्सीलेटर के ऊपर पैदल रख रखा है। थोड़ा सा नॉइज़ी जरूर हो जाता है ये क्योंकि रेव्स काफी लंबे समय तक खींचता है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि रेव्स को होल्ड करके रखता है ये, जिससे गाड़ी में जो खासतौर पे आपको ओवरटेक वगैरह करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो ये काफी बेहतरीन चीज है। इसमें जो पिकअप है वो आलीशान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्पीड गियरबॉक्स है तो जो आरपीएम मीटर है आपको बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं आता जब भी 5 स्पीड पे या 5th गियर में आप क्रूज करेंगे, तो काफी सारी बेहतरीन चीजें हैं इसमें। अब बात करते हैं कंफर्ट और फीचर्स की, तो टॉप ऑफ द लाइन है, तो फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार की कोई भी कटौती आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो कमी मुझे खिली है यदि इसमें क्रूज कंट्रोलर होता तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता क्योंकि जब आप लंबी दूरी तय करेंगे उसकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ती है। साथ में बड़ी सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसका जो टच रिस्पॉन्स है वो ओके है, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यदि और रिस्पॉन्सिव होता तो और ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा आपको। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह सभी फीचर इसमें आते हैं, तो आप टेक्नोलॉजिकली ज्यादा अगर इच्छा जाहिर करते हैं गाड़ी से आपके साथ जुड़ी रहे हो तो वो भी आप फायदा इससे उठा सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये भी अच्छी बात है। एज एन एसेसरी आप जो मोबाइल चार्जर होता है वायरलेसली चार्ज करता है फोन को, वो भी आप लगवा सकते हैं। 5000 के आसपास की कॉस्ट रहती है तो और भी बेहतर होता है क्योंकि, लेकिन एक बात प्लस पॉइंट ये है उसमें माफ कीजिए, एक जानकारी ये रहेगी उसमें कि यदि आपका फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तभी उसका फायदा है, नहीं इसीलिए शायद ये ऑप्शन रखा गया है। तो ये भी अच्छा एक थॉट आउट प्रोसेस किया गया रेनॉल्ट के द्वारा। बाकी कभी होल्स वगैरह काफी बढ़िया हैं, बोतल वगैरह आसानी से प्लेस कर सकते हैं 1 लीटर की डोर्स वगैरह में, तो ये काफी प्लस पॉइंट है। बीच में भी शटर की मदद से आप छोटे निक नेक्स रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है एर्गोनॉमिकली और कभी स्पेसिस के लिहाज से किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं है, हर जगह इसमें स्पेस दिए गए हैं, तो यूटिलिटी स्पेसिस इतने ज्यादा हैं शायद किसी और गाड़ी में सेगमेंट में होंगे, तो ये काफी बेहतरीन काम जो रेनॉल्ट इस चीज के लिए जानी जाती है बेहतरीन चीजों के लिए, और उसने बकायदा चीजें पूरे तरीके से करने में सक्षम हुई इस गाड़ी के साथ। चलिए एक बार मोड लगा के और देखते हैं कि मोड में कितना प्रभाव पड़ता है इंजन के ऊपर। तो सबसे पहले इकोनॉमी मोड में गाड़ी को लेके आते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है किस प्रकार से रहेगी।
शिफ्टिंग है वो थोड़ा सा अर्ली हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो बहुत ज़्यादा टाइट स्पेस में आप जब चलाएंगे तो वहाँ पे भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें फील इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको। साथ में जब एक हाईवे पे आप कॉन्स्टेंट स्पीड में चला लेते हैं गाड़ी को, 80-90 में क्रूज कर रहे हैं, तो उस टाइम यदि आप इकोनॉमी मोड पे इंजन ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे भी आप मैक्सिमम जो फील इकोनॉमी है आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट है। लेकिन इसका ये है, यदि आप ओवरटेक वगैरह करने की सोच रहे हैं इकोनॉमी मोड में, तो वहाँ ये दिक्कत पैदा करेगा आपको, क्योंकि ये जो गियर है उसको होल्ड करके नहीं रखता है बिल्कुल भी। अभी इसने तकरीबन सभी गियर लगा दिए हैं और मैं 60 की स्पीड के अराउंड हूँ, तो इतनी जल्दी जल्दी क्विक शिफ्ट करता है ये। तो इस प्रकार से का जो इकोनॉमी मोड है वो काम करता है। अब आपको स्पोर्ट्स मोड में और दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स मोड किस प्रकार से काम करता है। इसमें ये डायल है, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, आपको बड़ा अच्छा फील आएगा इसको रोटेट करते समय। तो अभी हमने इसको स्पोर्ट्स मोड पे लगा दिया है और एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर रखते हैं, तो इंजन एकदम बॉयल के ऊपर रहता है, आरपीएम जो है वो काफी ऊपर रहते हैं, तो जो इंजन अब पूरी क्षमता से काम करने लग जाता है, जबरदस्त तरीके से रेव को होल्ड करके रखता है वो। उसमें पिकअप में हल्का सुधार जरूर हो जाता है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इंजन है नॉइजी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड मोड रहेगा, नॉर्मली रहेगा। उसमें दोनों तरीके की चीजें हैं, ओवरटेक भी आप आसानी से कर पाएंगे और जो इंजन है वो भी शांत रहता है ज्यादातर फेज में। तो जो स्पोर्ट्स मोड है उसका काफ़ी कम इस्तेमाल कर पाएंगे आप, क्योंकि एएमटी है तो काफ़ी अग्रेसिव गियर बॉक्स नहीं होता है ये। तो जो स्पोर्ट्स मोड हो, यदि ये ड्यूअल क्लच वगैरह होता है या टॉर्क कन्वर्टर होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर पाता। तो मुझे लगा है कि स्पोर्ट्स मोड नॉइजी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो क्षमता है पिकअप है उतना नहीं बढ़ पा रहा है। अब देख रहे हैं भी आप हिल जा फ्लाई ओवर पर आप स्लोप जा रहे हैं, तो इंजन एकदम बॉयल के ऊपर है, बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है। लेकिन पिकअप में सुधार तो जरूर होता है कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पिकअप बिल्कुल भी नहीं सुधरता है स्पोर्ट्स मोड में, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी नॉइज है काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे सीवीटी की एयरबॉक्स में फील आती है रबर बैंड टाइप, वैसी कुछ फील आ पाती है इसमें। तो जो नॉर्मल मोड है वो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से जो थीम है वो भी चेंज होती रहती है, आपको पूरा डिजिटल कंसोल मिलता है आपको जो देखने में काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। इंजन टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, सभी जानकारी, क्लॉक वगैरह सभी ए टू जेड जानकारी आप इसके माध्यम से ले पाते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो कहने का तात्पर्य ये पूरी जानकारी आपको देगा ये। अब बात करते हैं कम्फर्ट की। तो कम्फर्ट में जो सीटों का कम्फर्ट है बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत सी मिलती है, दाएं बाएं आपकी मूवमेंट नहीं होगी, लेन वगैरह चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप जो अंडर थाई स्पॉट वगैरह वो भी स्पॉट ऑन है। पीछे का स्पेस है वो दूसरे वीडियो में काई करके मैंने पूरी तरीके डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखा रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे दो वेल ग्रोन एडल्ट बैठे हुए हैं, जो इधर साथी बैठे हैं हमारे, उनकी 5'8" रेफरेंस के लिए हाइट है, तो उनके हिसाब से जो अंडर थाई स्पॉट वगैरह है बिल्कुल स्पॉट ऑन है, आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो लेग रूम है उन्होंने सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो उसके हिसाब से देख पा रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा लेग स्पेस मिलेगा आपको, नी रूम जिसे बोला जाता है। तो किसी प्रकार का स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बोलने को कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल है। स्पेस की जो मैनेजमेंट की गई है रेनो के द्वारा बहुत ही बेहतरीन की गई है। बैकरेस्ट जो एंगल है वो भी शानदार है, तो लंबी दूरी यदि तय करेंगे इस गाड़ी में तो किसी प्रकार की कोई थकावट वगैरह महसूस नहीं होगी आपको। यदि आप अप टू 10 लाख तक की कोई एसयूवी देख रहे हैं मार्केट में, तो मेरे हिसाब से एक बार विजिट करके रेनॉल्ट काइगर को जरूर टेस्ट करना चाहिए आपको। इतनी बेहतरीन ये गाड़ी बनाई गई है रेनॉल्ट के द्वारा, इतना बेहतरीन इसका स्पेस यूटिलाइजेशन है, अच्छी माइलेज में आपको निकाल के देगी, तो इसमें किसी प्रकार की आपका जो डिसीजन है हो सकता है बाद में रिग्रेट करने से पहले एक बार आप विजिट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि आप इस गाड़ी के साथ जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका रिव्यू रहेगा दोस्तों। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।